अस्सलामुअलैकुम। बोरैक्स, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली इस टॉपिक के बारे में आज दो बातें डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे बोरैक्स पाया कहाँ पे जाता है, अक्रेंस, और इसके अलावा बोरैक्स की मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोरैक्स को तैयार कैसे करते हैं। ये दो तरीकेकार हैं हमारे पास, जो चीज़ दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है अक्रेंस। अगर अक्रेंस की बात की जाए तो बच्चे, बोरैक्स इज अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ टिंकल। बोरैक्स इज अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ टिंकल इन द ड्राई लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक बात याद रखिएगा, टिंकल इज एक्चुअली अब ओर ऑफ बोरैक्स। ये क्या हमारे पास ओर ऑफ बोरैक्स, जहाँ से हम मैक्सिमम बोरैक्स हासिल करते हैं। कहता है बेसिकली जो बोरैक्स है वो आपके दो शहरों के नाम है, टिंकल और तिब्बत और कैलिफोर्निया। बेसिकली ये दोनों के दोनों रियासतें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों के दोनों रियासतें अमेरिका की हैं। और वहाँ पे जो ड्राई लेक्स हैं, खुश्क झीलें हैं, वहाँ पे ये कुछ मिकदार में हमारे पास मिल रहा होता है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ करनी है वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछता किस तरह है, ये पास्ट पेपर मैंने एक दो पेपर पढ़े हैं जिसमें इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। वह कहता है राइट डाउन एनी टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स की तैयारी के कोई से दो मेथड लिख दो, एक्सप्लेन कर दो। ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी बुक में अगर देखा जाए तो तीन मेथड दिए गए। तीन मेथड के कौन कौन से, पहला जी बोरैक्स को तैयार करने का तरीका कार है जी बोरिक एसिड से। सेकंड तरीका कार है हमारे पास कैलोमिनाइट से। थर्ड तरीका कार है टिंकल से। ये तीन तरीका कार है जिसे हम बोरैक्स को तैयार कर सकते हैं। सही है, देर आर फॉलोइंग मेथड्स। ये चंद एक मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन तैयारी के, किसकी तैयारी के, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स की तैयारी के ये मदरजा जैल तीन तरीकाकार है। सही है, तो कौन कौन से तीन तरीकाकार है? पहला जी फ्रॉम बोरिक एसिड। अच्छा, सबसे पहली बात आप एक बात याद रखिएगा, बोरैक्स का फार्मूला आता है Na2B4O7.10H2O। ये बेसिकली हमारे पास बोरैक्स का फार्मूला है। अच्छा, अब आपकी बुक वाले जब भी रिएक्शन करवाता है वाटर को बीच में नहीं लिखता, Na2B4O7 ही लिखेगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं बोरैक्स डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है, डेका वर्ड 10 को रिप्रेजेंट करता है। डेकाहाइड्रेट मतलब इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इसे हम इसको क्या नाम देते हैं, डेकाहाइड्रेट। अब फ्रॉम बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा। बेसिकली आपने पता क्या करना है, यहाँ से सिर्फ रिएक्शन याद करने हैं। रिएक्शन अगर याद कर लेते हो तो इसे बोरैक्स यानी उसकी वर्डिंग बनाना बिल्कुल आसान है। देखो हमने क्या करना है, बोरिक एसिड लेना है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। ये बोरिक एसिड है, याद रखिएगा वीक एसिड है। एक बात याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, बोरिक एसिड है। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना बच्चे, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, दरमियान में बोरॉन होता है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ इस तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ इस तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ इस तरह हाइड्रोजन लगा होता है। ये हमारे पास बोरिक एसिड का फार्मूला है। ये क्या हमारे पास है, बोरिक एसिड का फार्मूला है भाई। ये बात आपने पास जहन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। सही, इसका बाद फिर हम बोरिक एसिड की जगह पर ये वाला भी चीज़ लिख देते हैं। ये भी बात करेक्ट है, गलत नहीं है। बी के साथ क्या करते हैं, OH3 लिख देते हैं। बी के साथ क्या करते हैं, OH3 लिख देते हैं। ये भी बात सही है। और इस तरह लिख दो H3BO3 तो भी सही है। अगर इस तरह लिख के आपको एग्जामिनर दे दे और आप कहें ये एसिड है या बेस है, तो फिर भी याद रखिएगा ये वाली चीज़ क्या है, एसिड ही है। आप OH देख के ये ना बता दीजिएगा ये बेस है,
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में हम देखते हैं जिसमें एच होता है उसको हम एसिड कहते हैं, जिसमें ओ एच नजर आ रहा होता है उसको हम बेस कहते हैं। लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये सिर्फ एच प्लस साइन देता है, यहाँ से ओ एच पूरे का पूरा नहीं यहाँ से निकलता, सही है। तो ये बोरिक एसिड का जब रिएक्शन करवाओगे सोडा ऐश के साथ, किसके साथ है? इसका नाम है सोडा ऐश। क्या नाम है? सोडा ऐश के साथ जब रिएक्शन करवाते तो बच्चे हमारे पास जो चीजें बन रही होती हैं उसमें सबसे पहली चीज है Na2B4O7, Na2B4O7 इज एक्चुअली बोरेक्स। साथ हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और साथ हमारे पास बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है। हमारे पास चीज क्या है? हमारे पास बोरेक्स है, ये वाटर है। अब इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन क्या करना है आपने? बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो बच्चे यहाँ पे बोरॉन कितने हैं, तो यहाँ पे मुझे चार बोरॉन पूरे करने पड़ेंगे। चार बोरॉन पूरे करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले चार लिखना पड़ेगा, सही है। देखें हमने क्या कर दिया, चार बोरॉन को पूरा कर दिया, सही है। याद रखिएगा आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बोरॉन की तादाद पूरी करनी पड़ेगी, यानी इक्वेशन को बैलेंस। अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करते तो आपके नंबर कट जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बोरॉन बराबर हो गए। अब यहाँ पे चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं, चार तीन बार बारह, बारह हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? दो है, तो बारह करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे छः लिखना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं? दो हैं, इस साइड पे भी दो हैं, बात क्लियर है। कार्बन कितने हैं? एक है, इस साइड पे कितना है? एक है। ऑक्सीजन चेक करो, चार तीन बार बारह, बारह और तीन पंद्रह ऑक्सीजन है। यहाँ पे चेक करो सात, सात और छः तेरह, तेरह और दो मतलब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। अब इसकी वर्डिंग किस तरह लिखनी है कि व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा एश देन इट फॉर्म बोरेक्स, यही हमने वर्डिंग लिखनी है। व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा ash, then it form, then it will form, ये क्या बनाएगा हमारे पास? borax with elimination of water and carbon dioxide। लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, वरना इतनी बात लिख के नीचे इक्वेशन लिख दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है। बेसिकली उसने आपकी रिएक्शन चेक करेगा, ऊपर वाली जो बातें लिखी हुई वो थोड़ा बहुत पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन देख के आपको सही कर देगा, करेक्ट कर देगा। अब इसके बाद सेकंड जो तरीकाकार है हमारे पास बोरेक्स को तैयार करने का, पहला तरीकाकार किस है जी? फ्रॉम बोरिक एसिड, एंड सेकंड विल बी फ्रॉम कोलीमिनाइट। अब कोलीमिनाइट का पहले नंबर पे आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कोलीमिनाइट का फार्मूला पता क्या होता है? यह आसान सा फार्मूला है, जरा गौर कीजिएगा। Ca2B6O9। ये वाली चीज़ें हमारे पास कोलीमिनाइट का फार्मूला, सॉरी O9 नहीं O11 है, सही है कोलीमिनाइट का। अब कोलीमिनाइट का आपने करना क्या है? कोलीमिनाइट का आपने क्या करवा देना है? यहाँ पर रिएक्शन करवा देना है सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब जिस जो चीज़ हमने ऊपर से रिएक्शन करवाया ना उसी चीज़ के साथ हमने नीचे रिएक्शन करवा देना है Na2CO3। जैसे ये कोलीमिनाइट, ये वाली चीज़ याद रखिएगा कोलीमिनाइट है, ये क्या हमारे पास? कोलीमिनाइट है। ये वाली चीज़ क्या हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट है, इसे सोडा ऐश भी कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जैसे मैं कोलीमिनाइट का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाता हूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो याद रखिएगा Na2CO3 और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सही। और साथ में हमारे पास बस ये दो चीज़ें बनती हैं, सही। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करा है, आप गौर कीजिएगा मेरे पास में यहाँ पर बोरॉन कितने हैं, सॉरी Na2B4O7 बनना है, सॉरी Na2B4O7। अब इक्वेशन को मैं बैलेंस करना चाहता हूं तो यहां पे इक्वेशन को, यहां बोरॉन कितने हैं? छः है। यहां बोरॉन कितने हैं? चार हैं, सही। एक जगह पे बोरॉन छः हैं और एक जगह पे हमारे पास बोरॉन क्या है? चार। इसके साथ एक और भी कंपाउंड बन रहा होता है, वो है सोडियम बोरेट Na2BO2 मेटाबोरेट, सोडियम Na2BO2
इस कंपाउंड को नाम दे रहे होते हैं सोडियम मेटा बोरेट। भाई कंपाउंड के नाम याद रखते जाइए, अगर आप नाम याद रख लोगे ना तो आपके पास मैक्सिमम चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब देखो हमने इसकी वर्डिंग क्या करनी है, पहले इक्वेशन को बैलेंस अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे बोरॉन 6 हैं, 4 बोरॉन ये हैं, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम 2 है, तो 2 कैल्शियम को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद यहाँ पे आप कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, सॉरी कैल्शियम 2 हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बन, सॉरी यहाँ पे चेक करो कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, 2 कार्बन करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोडियम चेक करो कितने हो गए, 4 हो गए, 2 सोडियम ये पड़े हुए हैं, 2 सोडियम ये आ गए, 4 सोडियम हो गए। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन 11 ये है, 3 दो बार 6 और 11 17 ऑक्सीजन है, 7 और 3 10 सॉरी 3 दो बार 6 सॉरी एन ए टू बी फोर ओ ये 7 एन ए टू बी फोर ओ 7 सी ए सी ओ 3 सॉरी 4 ये ऑक्सीजन है 10 सही है सारा पूरे नहीं वही सारा पूरे ना। देखो 4 ये 3 दो बार 6 और 4 10 10 और 7 17 सही है, तो ऑक्सीजन हमारे पास पूरे है। अब इसके बारे में आपने बातें क्या लिखनी है, व्हेन कोलिमिनाइट इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट देन इट फॉर्म बोरेक्स। इस कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहा है लेकिन आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है, Na2B4O7 बोरेक्स है, बोरेक्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर कहते हैं, एंड सोडियम मेटाबोरेट, एंड सोडियम मेटाबोरेट व्हेन कोलिमिनाइट, कोलिमिनाइट इज treated with sodium carbonate, sodium carbonate, then it will form, तो हमारे पास कौन सी चीज बना रहा था, then it form borax, पहले नंबर पे हमारे पास borax है, second नंबर पे calcium carbonate, CaCO3, बेशक पूरा नाम लिख लो calcium carbonate, and sodium metaborate, सोडियम मेटाबोरेट। अब जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं ना, बोरेक्स इज प्रेसिपिटेट और ये क्रिस्टलाइज आउट, हेयर बोरेक्स इज क्रिस्टलाइज आउट, क्रिस्टलाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्यूशन, यहाँ से हम बोरेक्स को क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं। देखो अब ये बड़ी चीज बोरेक्स बन गई है, कहता अगर आप मजीद बोरेक्स बनाना चाहते हो तो सोडियम मेटाबोरेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो, सही है। अब सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या, हमारे पास Na2B4O NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट। अब इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारोगे तो ये वाली चीज मजीद कन्वर्ट हो जाएगी Na2B4O7 में Na2B4O7, और साथ में हमारे पास जो चीज बन रही होती है वो होता है Na2CO3। अब दोबारा फिर इक्वेशन बैलेंस करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरॉन 4 है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, सही है Na2BO2। अब ऑक्सीजन चेक करो यहाँ पे कितने हो गए, 4 दो बार 8 और 2 10, यहाँ पे कितने 7, 7 और 3 10 पूरे हो गए। अब इसके बाद सोडियम चेक करो कितने, 4 हैं, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, सोडियम पूरे हो गए, सारी चीज़ें कंप्लीट है, सही है। तो यही बात हमने लिखनी है कि सोडियम मेटाबोरेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है और मजीद बोरेक्स बन जाता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बोरेक्स बनाने के लिए कोलिमिनाइट लिया, कोलिमिनाइट में से सोडियम कार्बोनेट डाला, डालने के बाद हमारे पास बोरेक्स बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, वो सोडियम मेटाबोरेट बना, कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट को लेके मजीद कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं और मजीद हमारे पास क्या बन जाता है, बोरेक्स बन जाता है। फर्दर बोरेक्स, बोरेक्स इज ऑब्टेंड बाय पासिंग, बाय पासिंग CO2 गैस फ्रॉम सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार दी जाए तो हमारे पास मजीद
और एक्स बन जाता है। अब इसके बाद लास्ट वाला तरीका कार्य टिंकल फ्रॉम, ये आसान है, वो इधर टिंकल को लेकर पानी में हल कर दो, आपके पास बरक्स बन जाता है फ्रॉम टिंकल। और टिंकल मैंने ऊपर बता दिया है, इट इज़ बेसिकली ओर ऑफ बोरेक्स। ओर क्या होती है, और याद रखिएगा जमीन के नीचे जो मेटल निकलती है जिस फॉर्म में आपके पास निकल रही होती है उसको ओर कहते हैं। उसके बाद उसको प्यूरीफाई करते हैं। मसलन आपने देखा होगा कभी लोहे मैग्नेट लेकर ना उसको ज़मीन पर घिसाओ, जाने के बाद उसके साथ मजीद छोटे छोटे ज़र्रात जुड़ जाते हैं। वो जो छोटे छोटे ज़र्रात जुड़ते हैं ना उसको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में ओर का नाम दे रहे होते हैं, वो असल में लोहे की ओर है। तो ये बोरेक्स की ओर थी हमारे पास। तो फ्रॉम टिंकल, तो टिंकल में क्या कहते हैं, टिंकल इज डिजॉल्व, इज डिजॉल्व इन वाटर एंड इट फॉर्म, इट फॉर्म, तो ये हमारे पास कौन सी चीज बना देगा, इट फॉर्म बोरेक्स। लो ये तरीका बिल्कुल आसान है। सही, कोशिश कीजिए अगर एग्जाम में आया तो बच्चे थोड़ा सा लेंथी वाला लिखोगे ना, इसका फायदा ये होता है कि आपको दो नंबर कहीं से काट नहीं सकता, कहीं से भी नहीं काट सकता। उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपका कहीं से नंबर, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है ना तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर देता है कोई, बच्चे ने इतना बड़ा लिखा थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, नहीं नो प्रॉब्लम। सही है, तो ये था ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।